आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। जेल में कैदियों ने जमकर धुना बिलाल को, साबो खातून को भी रास्ते से हटाना चाहता था बिलाल। रांची के ओरमांझी के सूफिया परवीन की जघन्य हत्याकांड के आरोपी शेख बिलाल को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भी जमकर कूटा गया। गिरफ्तार होने के बाद उसे जेल भेजा गया था। सूत्रों की माने तो वहां पहले से बंद कैदियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसी जेल में सूफिया की हत्या में सहयोग करने की आरोपी बिलाल की पत्नी साबो खातून भी महिला सेल में बंद है। वहां बंद अन्य महिला कैदियों ने उससे पूरा घटनाक्रम जानना चाहा। 2 जनवरी को बिलाल और साबो ने मिलकर सूफिया परवीन की हत्या कर दी थी। सूफिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सूफिया बिलाल की प्रेमिका थी, इसके कारण घर में कलह हो रहा था। सूफिया यह दबाव बना रही थी कि बिलाल उससे शादी कर ले। उस समय बिलाल ने यह भरोसा दिया था कि वह पत्नी साबो को ही रास्ते से हटा देगा। उसकी हत्या की योजना भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन एक दिन पिठौरिया के चंदवे गांव में सूफिया और साबो के बीच बिलाल को लेकर बकझक हो रही थी। उसी समय अचानक बिलाल वहां पहुंचा और सूफिया पर हाथ चला दिया। इसके बाद सूफिया थाना पहुंच गई थी और बिलाल को जेल जाना पड़ा। यहीं से बिलाल ने साबो की हत्या की योजना छोड़ सूफिया की हत्या करने की ठान ली और योजना भी तैयार कर ली। सूफिया को उसने ऐसी मौत दी कि लोग सुनकर कांप उठेंगे। सूफिया के शव की पहचान नहीं हो रही थी। इस ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझाने में रांची पुलिस को 11 दिन लगे थे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।